हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दांत खाज खुजली एवं फंगल इन्फेक्शन का बहुत अच्छा क्रीम लेकर आया हूँ, जिसका नाम है क्लोस्पॉट K5, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल डाला गया है, इसको कब लगाना चाहिए, कैसी कैसी खुजली में लगाना चाहिए, कौन से इन्फेक्शन में लगाना चाहिए और इसका मार्केट में क्या प्राइस है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन जब तक मिलते रहे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लोस्पॉट K5 क्रीम, सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको मोनोस्टार फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। अब बात करते हैं क्लोस्पॉट K5 क्रीम के अंदर मॉलिक्यूल के बारे में, यानी कि कंटेंट के बारे में देखें तो इसके अंदर मुख्य ड्रग डाला गया है क्लोबेटासोल, प्रोपिनट, नियोमाइसिन सल्फेट, टोलेनाफेट, आयोडोक्लोरोथायरोक्विलिन एंड केटोकोनाजोल, ये डाला गया है। अब बात करते हैं कि इस क्रीम का क्या क्या कार्य है। कार्य देखें तो ये जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाले बीमारियों के लिए किया जाता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियाँ देखें यदि आपके शरीर पर कहीं पर दाद है, खाज है, खुजली है, नाइटा है, रेसेस है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप दाद खाज खुजली से परेशान है तो इस क्रीम का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके कौन से भी जगह पर दाद खाज खुजली है, जैसे कि पैरों के बीच की खुजली है, नाखूनों के बीच की खुजली है, जांघों के बीच की खुजली है, पीठ के पीछे की खुजली है, तब आप इस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कब लगाना चाहिए। इसको लगाना टाइम देखें तो मुख्य दो टाइम लगाना चाहिए। सुबह नहाने के बाद आपको जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ वहाँ अच्छी तरह से डेटॉल से साफ करके या ऐसे नॉर्मल रूम साफ कपड़े से साफ करके उसको लगाना चाहिए एक पतले लेयर के रूप में, और शाम को भी सोते समय उसको साफ करके अच्छे से उसको लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस क्रीम का मार्केट में क्या प्राइस है। प्राइस की बात करें तो मैं भी आपके सामने लेकर आया हूं जो 15 ग्राम का क्रीम है, जिसका मार्केट में प्राइस है 90 रुपये, जो मैं हर एक मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रीम को लगाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अभी तक इसका कोई मुख्य साइड इफ़ेक्ट नहीं, और नॉर्मल सा देखें तो जैसे कि शरीर जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन और लाल होना, पपड़ी निकलना, ये इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफ़ेक्ट, और इससे ज़्यादा अगर आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार ही इसका उपयोग करें। बात करते हैं कि इस क्रीम को लगाने से हमारे क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है देखें तो यदि आप दांत खाज खुजली से परेशान हो तो इससे आपको राहत मिल सकती है, और ये लगाने से जहाँ पर आपको दांत खाज खुजली हो वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक पैदा करता है। चलो दोस्तों, क्लोस्पॉट K5 क्रीम के बारे में इतना ही काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो आप तक मिलती रहे।